देखिए डाक बंगला चौराहा पे बस पहुंचा और जितने भी लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सब इस बस में सवार हैं। जी हाँ, इस बस में सवार हैं और हॉर्न बज रहा है और देखिए कि किस तरह से सब लोग दौड़ रहे हैं और सब लोग देखिए कि किस तरह से यहाँ पे आगे आगे दौड़ रहे हैं और यहाँ पे बस पे चढ़ गए। इसमें रेणु देवी भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं और सब लोग मौजूद हैं। नमस्कार, भाजपा के जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, जितने भी सांसद थे उनको बस में डाल के उठा लिया गया। पुलिस अरेस्ट कर ली जा रही कोतवाली थाना। अब माहौल जो है वो देखिए कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए डाक बंगला चौराहा पे बस पहुंचा और जितने भी लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सब इस बस में सवार हैं। जी हाँ, इस बस में सवार हैं और हॉर्न बज रहा है और देखिए कि किस तरह से सब लोग दौड़ रहे हैं और सब लोग देखिए कि किस तरह से यहाँ पे आगे आगे दौड़ रहे हैं और यहाँ पे बस पे चढ़ गए। इसमें रेणु देवी भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं और सब लोग मौजूद हैं इस बस में। देखिए हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बस में, देखिए नीचे देखिए सब जगह जो है वो चले गए। आपको दिख रहा होगा कि बस के साथ साथ हम चल रहे हैं। इसमें रेणु देवी हैं, इसमें अध्यक्ष हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए दिखाएंगे हम आपको, भगदड़ मच गया। नितिन नवीन मौजूद हैं और यहाँ पे अध्यक्ष मौजूद हैं और ये देखिए पूछिए क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा। लोकतंत्र की हत्या हुई है और 302 अब नीतीश कुमार के खिलाफ होगा। अध्यक्ष इसी गाड़ी में है, सब लोग इसी गाड़ी में है। देखिए बस का जो माहौल है वो हम दिख रही है। देखिए ऊपर भी चढ़े हैं, नीचे भी चढ़े हैं और पूर्व सांसद भी हैं, सब लोग हैं, सब लोग अरेस्ट होकर जा रहे हैं। जी सब लोग जा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग जो हैं, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा। जी देखिए शहनवाज हुसैन है और बस पे देखिए कि किस तरह से बस जो है लदाई हुई है और सब लोग देखिए किस तरह से दौड़ रहे हैं। देखिए कि किस तरह से सुशील मोदी भी बस में सवार हैं और जा रहे हैं। क्या कहिएगा, आज ये क्या हो गया। महामंत्री विजय कुमार सिंह आज गुस्सा कितना आ रहा है, इसकी मौत हो गई है। अब इसको पीएमसी चले जाएगा, खून बेकार नहीं जाएगा। आज जो लाठीचार्ज हुआ है इसका बदला विधानसभा के अंदर। इसी बस में सुशील मोदी हैं, इसी बस में सब लोग हैं। जी हाँ, हम आप भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बस जो है वो ले जा रही है सबको, तो अरेस्ट होगा। अरेस्ट से डरता कौन है यार, लोकतंत्र का दमन होगा तो वहाँ। माहौल जो है वाजिब हो गया, सब लोग देखिए किस तरह से जो बस है वो लोग जो हैं, अध्यक्ष मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं। किस तरह से अध्यक्ष जो है शहनवाज हुसैन जो है, सब लोग जो है वो इसी में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता जा नहीं रहे, कार्यकर्ता भी जेल में जा रहे हैं। देखिए सरकार से लड़ने निकले थे और सरकार आज इनको जेल भेज रही है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। जोश पूरा था, घंटों बैठे, आंसू गैस का सामना किए, हर चीज तो नीतीश कुमार आखिरकार भेज दिए जेल। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज हमारे कार्यकर्ता और जिस तरह लाठी नीतीश कुमार ने चलाया है इसका करारा जवाब उनको मिलेगा, करारा जवाब देंगे। एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था से लड़ते रहेंगे। कि शिक्षकों के लिए उतरे थे नीतीश कुमार जी, सत्ता में चूर मत होइए, जवाब देना पड़ेगा जनता को। आपको बस में दिखा दिए वो मौजूद है, माहौल बन चुका है। ये माहौल है पटना का जिसमें सारे बीजेपी के नेता अरेस्ट होके जा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि सम्राट चौधरी, शहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, रेणु देवी, सब लोग उसमें थे। सुशील मोदी गर्जे हैं, सम्राट चौधरी गर्जे हैं। क्या कुछ माहौल था वो आप देख लिए। तो बस लाइक के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कुछ लाइक करें, धन्यवाद।